रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले ही टीपू सुल्तान को लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। कर्नाटक में कांग्रेस की ओर से टीपू सुल्तान की 100 फीट की मूर्ति लगाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने भी इस प्रोजेक्ट का समर्थन किया है, तो वहीं भाजपा इसका विरोध कर रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले ही टीपू सुल्तान को लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। कर्नाटक में कांग्रेस की ओर से टीपू सुल्तान की 100 फीट की मूर्ति लगाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने भी इस प्रोजेक्ट का समर्थन किया है। बता दें कि कांग्रेस विधायक तनवीर सैत ने टीपू सुल्तान की मूर्ति लगाने का वादा किया था, जिसको लेकर सिद्धारमैया ने कहा कि 100 फीट की मूर्ति स्थापित करने की बात कही थी। इसे लेकर सवाल किया गया तो सिद्धारमैया ने कहा कि टीपू सुल्तान की मूर्ति क्यों नहीं लगाई जा सकती, उन्हें बनाने दीजिए, क्या वो इसके लायक नहीं है। कांग्रेस नेता ने भाजपा पर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस की ओर से टीपू सुल्तान की प्रतिमा स्थापित करने की योजना को लेकर उस समय बयान दिया जब पीएम मोदी ने राजधानी बेंगलुरु में नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया था। तो वही कांग्रेस नेता तनवीर सैत ने कहा है कि टीपू सुल्तान की मूर्ति स्थापित करने को लेकर समुदाय के नेताओं से बातचीत करने के बाद ही कोई फैसला होगा और प्रतिमा स्थापित करने का उद्देश्य युवाओं को टीपू सुल्तान के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के बारे में बताना है। असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कर्नाटक के हबूली में ईदगाह मैदान में टीपू जयंती मनाने के बाद भाजपा ने कहा, टीपू सुल्तान कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे जो उनकी जयंती मनाई जाए। ओवैसी से और कुछ भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। जिनके राजनीतिक पूर्वज ही रजाकार थे, जिन्होंने हैदराबाद में हिंदुओं का नरसंहार किया था। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कर्नाटक में मूर्ति पर सियासत कब खत्म होगी। खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।